जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गायत्री किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक टमाटर लिया है, इसको अच्छे से कट कर लिए, और एक हरी मिर्च, और ये अदरक है, और ये मैंने एक चम्मच खसखस लिया, इसको अच्छे से धो के भिगो दिया था 15 मिनट के लिए, और 4-5 ये काजू हैं, और इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए पेस्ट तैयार है। अब मैं ये फ्राई पैन रखी हूँ, इसके लिए मैंने 3 चम्मच ये तेल डाला है, और ये पनीर है 150 ग्राम है, इसको मैंने ये देखिए हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लिया। अब इसमें 2 चम्मच तेल डाली हूँ, और 1 छोटी चम्मच जीरा, ये जीरा अच्छे से लाल हो गया, 1/2 चम्मच हींग, 1 तेज पत्ता, और 2 लौंग, और थोड़ी सी दालचीनी, और इसको अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक। फिर इसमें ये पेस्ट डालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे। ये देखिए मसाले को थोड़ी देर ढक के रख देते हैं अच्छे से भून जाए, ये देखिए मसाला। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, इस तरीके से, और इसको अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं मसाले को अच्छे से। अभी देखिए मसाला भून गया, अब इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। ये देखिए मसाला, अब ये मसाला तैयार है। इसमें मैंने प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डाला है, बस थोड़े से जो मसाले डाले उसी से मैं ये शाही पनीर बना रही हूँ। अब इसमें मैंने पानी ऐड किया है, इस तरीके से इसको अच्छे से चला लेना है, और इसको धीमी आंच पे ही पकने देना है। थोड़े ढक के रख देते हैं, ये देखिए। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। अब इसमें मैं पनीर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी देर मैंने ढक के रख दिया। ये देखिए शाही पनीर, ये शाही पनीर बिल्कुल तैयार है, आइए सर्व करते हैं। ये देखिए शाही पनीर अब तैयार है, बिना लहसुन प्याज का है, आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं, बहुत ही फटाफट बन जाता है। शाही पनीर बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। आप भी बनाइए इस तरीके से शाही पनीर, और बताइए कैसा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।